हाइट से है और यहाँ पे बड़ी खुशी से ये ध्वजारोहण किया गया है। और देखिए आज यहाँ क्या हो रहा है? अब हम यहाँ पे गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला गेम जो आज 15 अगस्त का झंडा फहराया जा रहा है, सबसे पहले चलाई गया है। क्या कहोगे? हैप्पी अगस्त। अच्छा 15 अगस्त। हाँ। क्या नाम है? अयोध्या। आज क्या हो रहा है यहाँ? इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे और 12 साल के चलिए आज बच्चों से भी जानेंगे बच्चों के मन में क्या है इस आज 15 अगस्त की आज़ादी का ये महोत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों के भी मन में जिस तरह से जानकारियां कितनी हैं क्योंकि झंडा तो फहरा दिया गया, तिरंगा झंडे के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं और उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों की तस्वीरें आप तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों की तरफ यहाँ बच्चे बैठ गए हैं। और सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज बहुत एक खुशी का और आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, 15 अगस्त का दिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और आज के दिन हमें अपने वीर शहीदों को याद करना चाहिए और इस जो अमूल्य धरोहर हमें विरासत हमारे वीर सपूत दे करके गए हैं और ये आज़ादी की धरोहर को उसी तरह बढ़ाना है, बरकरार रखना है। और आज़ादी दिल से भी होनी चाहिए, समाज में भी होनी चाहिए, विचारों में होनी चाहिए। और सभी स्वतंत्र हों, सभी महिलाएं सुरक्षित हों, देश हमारा सुरक्षित हो, शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे, यही सबसे बड़ा संदेश है। महिलाओं के साथ देखा जाता है कि लगातार अभी कलकत्ता में एक रेप का मामला सामने आया है और सुरक्षा की बात कही जाती है और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, कितना मानते हैं कि आज़ादी के जश्न के साथ साथ उनकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए जब तक देश का हर एक एक नागरिक सुरक्षित नहीं होगा और अंतिम छोर तक सुरक्षा और व्यवस्था नहीं जाएगी तब तक कहीं ना कहीं हमें निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है और हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। और हमारा देश तो ऐसा है कि हमारे देश का ये सार्वभौमिक विचार है कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र वसति देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। और हमारे देश में तो कन्या पूजन से लेकर के और नारी का सम्मान तक ये सर्वोपरि रहा है और हमेशा रहेगा। कुछ असामाजिक तत्व तो हैं जो ऐसे करते हैं, उन पर नियंत्रण और अंकुश लगाना अति आवश्यक है और उसके लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। और सिर्फ प्रशासन और शासन को ही नहीं, हम आम लोगों की भी बराबर की भागीदारी और जिम्मेदारी है कि जब भी हमारी आवश्यकता हो तो हम आंख बंद करके या अपना दामन हटा करके ना जाएं, बल्कि कंधे से कंधा मिला करके और आवाज़ बुलंद करें न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए और अखंडता के लिए। जय हिंद, जय भारत।